देखा जाए बोनी होता है कि नहीं, तो कई बार अब कई चुनाव देख चुके हैं कि भाई तो सरकारें बनाते हैं, और एक साल के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें जो पटकनिया खाएंगे उनका वो जिंदगी का अंतिम चुनाव होगा। और झारखंड में जो बोल रहे हैं आपको, तो झारखंड में हम भी एक पूरे क्लस्टर के इंचार्ज प्रभारी। झारखंड में लहर है और भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसलिए इंडी गठबंधन वाले सब बौखलाए हुए वहीं घूम रहे हैं, लेकिन कुछ होना नहीं है। जनता का मन बन चुका है वहां पर, एक स्थायी विकासशील सरकार उनको चाहिए और भाजपा प्रचंड बहुमत से झारखंड में सरकार बना। आज राजधानी पटना के सड़कों पर पोस्टर लगाया गया है तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर, और यह लिखा गया है कि 2025 में भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। ये तो सपना ही रह जाएगा। अब लालू परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहा है। बिहार की जनता सजग और सचेत है, तो देश दुनिया जहां भी है इस बात के बारे में बहुत सजग है। सर, जेपी नड्डा का बिहार दौरा हुआ, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री का हाल चाल नहीं है कि क्या ठीक है कि नहीं है, और विशेष राज्य के दर्जे को भी लेकर के मांग की है। मुख्यमंत्री से क्या बात हुई नहीं हुई उन्हीं को जानकारी देंगे क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? वो बेतुका बात बोलते हैं, जमीन से अब कट चुके हैं। वो जैसे राहुल गांधी का हिसाब था ना कि आए, कुछ हंगामा किया, फिर गायब हो गए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं शूट एंड स्कूट। तो वही अब बिहार के राजनीति में तेजस्वी यादव का भी है, वहाँ 5 दिन आएंगे, कुछ हल्ला करेंगे, फिर विदेश चल जाएंगे घूम। तो जमीन से कटे हुए हैं, इसलिए बहुत मतलब नहीं।